खुलासा हुआ है। थिंक टैंक ने लिसिस्टर और बर्मिंगम हिंसा पर रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा में किसी हिंदूवादी संस्था का कोई रोल नहीं था, साथ ही आरएसएस का हाथ होने के भी सबूत नहीं है। ब्रिटेन थिंक टैंक हेनरी जैक्सन जैक्सन सोसाइटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदू फोबिक एजेंडा साजिशन फैलाया गया। देखिए, प्री प्लानिंग की गई ये साजिश था, साथ ही तनाव और हिंसा भड़काने के लिए साजिश रची गई है। जो रिपोर्ट आई है वो हम आपको दिखा भी रहे हैं और क्या उस रिपोर्ट में कहा गया है ये भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि वो तस्वीरें आपको याद होंगी। उसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर ब्रिटेन में हो क्या रहा है, और अब उसको लेकर बकायदा जो रिपोर्ट सामने आई है बड़े खुलासे हुए हैं उसमें। गौरव श्रीवास्तव द्वारा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गौरव, क्योंकि उस वक्त तमाम सवाल उठ रहे थे कि ब्रिटेन में हो क्या रहा है, लेकिन अब जो ब्रिटिश थिंक टैंक की रिपोर्ट है उससे खुलासा हो चुका है, ये खुलासे काफी बड़े हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो चीज थी कि एक लिसिस्टर और बर्मिंगम में जिस तरह की हिंसा हुई और जिसमें जबरदस्ती जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू आतंकवाद के एक फर्जी नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश की गई, उस फर्जी नैरेटिव की धज्जियां जो है इस रिपोर्ट ने उड़ा दी है। और हेनरी जैक्सन सोसाइटी की तरफ से, जो कि यूनाइटेड किंगडम का एक थिंक टैंक है, उसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनके फॉलोअर्स 8 लाख तक के थे, उन लोगों ने जिनका संबंध कुछ न किन्हीं आतंकी संगठनों से है, उन्होंने सिर्फ तनाव फैलाने के लिए हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है एक माहौल खराब करने के लिए और फर्जी हिंदू आतंकवाद का एक नैरेटिव गढ़ने के लिए जो है सबसे पहले सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाया, फेक न्यूज फैलाई और उसके जरिए जो है उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदू आबादी को जो कि यूनाइटेड किंगडम में रहती है उसको खतरे में ले आए और उनको कहीं ना कहीं अब वो लोगों की नाराजगी का भी शिकार हो सकते हैं। तो ये पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि कहीं ना कहीं आरएसएस का एफिलिएशन जो है उस पूरी घटना में जो कि लिसिस्टर और बर्मिंगम में भी उसको दिखाया जाए। उन सभी को जो है बिल्कुल दरकिनार करते हुए रिपोर्ट जो है वो सामने आई है और इस मामले में एक यानी कि गौरव हिंदू फोबिया एजेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है, साजिश की गई और प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया गया। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार जो है खास करके हिंदू के खिलाफ और एक जिस तरीके से भारतीय समुदाय खास करके हिंदू धर्म की संस्कृति का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हुआ है, धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज दोनों ही स्तर पर हम देखें तो एक जबरदस्त पैठ बनाई है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो हेट स्पीचर्स हैं, अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, घृणा फैलाने वाले लोग हैं, उनको ये चीजें नहीं समझ में आती है। अंजन चौधरी नाम के शख्स का इसमें पूरा नाम आया जो कि हेट स्पीचर है, घृणा फैलाते हैं और प्रतिबंधित संगठन हिजब उर तहरीर के साथ जिनका संबंध, वो जो है देश पूरी दुनिया में जो है वो खलीफा जो है खलीफा का राज जो है वो स्थापित करना चाहते हैं। तो इस तरह के तमाम एजेंडे वाले लोग जिसमें चरमपंथी इस्लामिक विचारधारा के लोग, उन्होंने एक फेक नैरेटिव गढ़ा वो भी यूनाइटेड किंगडम में, जहां पर खास करके हिंदू आबादी के भी लोग जो है वो बरसों से रह रहे हैं और वहां की ठीक है गौरव, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है इस रिपोर्ट के आने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने।